आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह, जो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं, उन्होंने अंतरिम जमानत की मांग करते हुए दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट का रुख किया है। संजय सिंह ने मौजूदा संसद सत्र में भाग लेने और राज्यसभा के लिए अपने चुनाव के बाद शपथ लेने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया है और एजेंसी से जवाब मांगा है। कोर्ट इस मामले की सुनवाई अब 3 फरवरी को करेगा। सिंह ने 4 से 10 फरवरी तक अंतरिम जमानत की मांग की है, क्योंकि उन्हें 5 से 9 फरवरी तक सत्र में भाग लेना है। उल्लेखनीय यह है कि जेल में रहते हुए भी संजय सिंह का राज्यसभा सांसद का दर्जा बरकरार रहेगा। इसके पहले 12 जनवरी को दिल्ली में राज्यसभा मेंबरशिप के लिए परिणामों की आगामी घोषणा के कारण राउस एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को राज्यसभा के रिटर्निंग ऑफिसर, जो ये चुनाव करवाने के लिए जिम्मेदार थे, उनके सामने पेश होने की अनुमति दे दी थी। संजय सिंह को इसके पहले राउस एवेन्यू कोर्ट जमानत देने से इनकार कर चुका है। दिल्ली हाई कोर्ट ने रिसेंटली बुधवार को उनकी बेल प्ली यानी कि जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देने से इनकार करने वाले लोअर कोर्ट के आदेश के खिलाफ संजय सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी। संजय सिंह की ओर से यह तर्क दिया गया था हाई कोर्ट के सामने कि वो सीबीआई के केस में आरोपी नहीं है और उन्होंने उन्हें सरकारी गवाह बने एक आरोपी के बयानों के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। हालांकि ईडी ने संजय सिंह की जमानत याचिका का विरोध किया है। ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट को ये बताया कि सिंह अपराध की आय को सफेद करने के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाना चाह रहे थे। ईडी ने ये भी कहा है कि इस मामले की जो पूरी जांच है, इससे पता चला है कि कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जो सार्वजनिक डोमेन में ना होने के बावजूद संजय सिंह के पास से बरामद हुए। संजय सिंह को अंतरिम जमानत अब राउस एवेन्यू कोर्ट देगा या नहीं, ये पता चलेगा 3 फरवरी को, जब इस मामले में दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट के सामने हियरिंग होगी। नई दिल्ली से सृष्टि ओझा, दिल्ली का।